और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो ग्रेटर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय के बीच में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी है। निरंजन रॉय को बनाने पहुंचे हेमंत बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे। जी हाँ, निरंजन रॉय के राज्य धनबाद के पेपलो स्थित आवास पर चल रही है बैठक, जहां पर समर्थकों ने बताया है कि बीजेपी में शामिल होने की उड़ रही है अफवाह और बैठक के बाद ही हो सकेगा शामिल होने की सच्चाई का खुलासा कि क्या वो वाकई में शामिल होंगे। बाबूलाल की सफलता के राह में रोड़े बने हुए हैं निरंजन रॉय, तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर निरंजन रॉय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। निरंजन रॉय के घर में बैठक चल रही है इसको लेकर के ग्रीडी से बड़ी खबर, जहां पर धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। निरंजन रॉय को मनाने पहुंच रहे हेमंत बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे। जी हाँ, निरंजन रॉय के राज धनबाद के पेपलो स्थित आवास पर बैठक चल रही है, उनके आवास पर समर्थकों का भी जमावड़ा लगा है। समर्थकों ने बताया है कि बीजेपी में शामिल होने की ये अफवाह उड़ रही है, बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शामिल होंगे या नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता पिंटू जुड़ गए हैं। जी पिंटू, देखिए निरंजन रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं, क्या जानकारी है? जी पिंटू, देखिए निरंजन रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। राज्य धनबाद के पेपलो स्थित उनके आवास पर बैठक चल रही है, समर्थकों ने बताया है कि बीजेपी में शामिल होने की उड़ रही है अफवाह और बैठक के बाद ही हो सकेगा शामिल होने की सच्चाई का खुलासा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। वैसे आपको बता दें कि बाबूलाल की सफलता की राह में रोड़े बने हुए थे निरंजन रॉय, कहा जा रहा था कि निरंजन रॉय के मैदान में उतरने से बाबूलाल की मुश्किलें बढ़ गई थी, तो ऐसे में अब उनको मनाने पहुंचे हैं उनके आवास हेमंता। तो धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी है। निरंजन रॉय को मनाने पहुंचे हैं हेमंत बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे, दोनों उनके आवास पर मौजूद है। जी हाँ, निरंजन रॉय के राज दरबार के पेपलो स्थित आवास पर मौजूद है और बैठक चल रही है। समर्थकों ने इस अफवाह को अफवाह बताया है, कहा है कि ये जो बातें हो रही है कि निरंजन रॉय बीजेपी में शामिल होंगे ये महज एक अफवाह है, वैसे बैठक के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि निरंजन रॉय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बाबूलाल के सफलता के रास्ते में ये रोड़ा बने हुए थे निरंजन रॉय के घर में के बाहर जो है समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। तो ग्रीडी से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर धनबाद से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी है। निरंजन रॉय को मनाने के लिए पहुंचे हैं हेमंत बिस्वा सरमा और निशिकांत दुबे, दोनों उनके आवास पर मौजूद हैं। जी हाँ, निरंजन रॉय के राज दरबार के पेपलो स्थित आवास पर चल रही है बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर निशांत जुड़ गए हैं। जी निशांत, देखिए निरंजन रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है, उनके घर पर भी बैठक हो रही है, क्या जानकारी है? जी सर, जैसे कि हम बता दें आपको कि अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अभी पहुंचे हुए हैं वहां पे, और उनके आवास पे निरंजन रॉय के आवास पे वहां पे बैठक चल रही है। बैठक के बाद ही ये बात सामने आ सकती है कि वे अपना समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वहीं लेकिन अगर कार्यकर्ता की बात अगर माने तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी तक उनके द्वारा कोई तरह का घोषणा नहीं किया गया कि वे समर्थन दे रहे हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी, तो अभी भी बैठक चल ही रही है? जी अभी बैठक चल रही है, और आपको ये भी बता दें हम कि पिछले बार भी निशिकांत दुबे आपके आए हुए थे वहां पर, उनके आवास पर बैठक हुई थी, लेकिन उस टाइम में निरंजन रॉय समर्थन देने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिए थे। ठीक है निशांत, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।